संडे का दिन था। शाम को वाइफ ने मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहा। मैं बगल के मार्केट तक गया और वहाँ गाड़ी पार्क करके थोड़ी दूर चला। थोड़ी देर पहले ठीक ठाक बारिश हो के चुकी थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। तभी कुछ दूरी पर देखा एक कार एक गड्ढे में कीचड़ में फंसी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर एक लेडी थी और 3-4 लोग उस गाड़ी को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ ये बात बहुत ईमानदारी से बताऊँगा कि ऐसी सिचुएशन में मैं नॉर्मली बच ही लेता हूँ। ना तो मैं बहुत कुशल ड्राइवर हूँ और ना ही फिज़िकली इतना फिट कि मैं किसी की गाड़ी में धक्का लगाने के लिए वॉलंटियर करूँ। फिर भी पता नहीं क्यों पैर अपने आप ही उस दिशा में चल पड़े। गाड़ी के पास पहुंचकर देखा वो महिला बड़ी परेशानी की स्थिति में थी और वो 3-4 लोग अपनी पूरी ताकत से गाड़ी बाहर निकालने में लगे हुए थे। मैंने ड्राइवर साइड जाकर डोर खोलने की कोशिश करी, वो आराम से खुल गया, इतना मार्जिन था वहाँ पर। मैंने उन मैडम से कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। वो मेरी ओर हैरानी से देख रही थी, शायद गाड़ी से बाहर आने का उन्हें ख्याल ही ना आया हो, इसलिए कोशिश भी ना करी हो। वो बिना किसी परेशानी के बाहर आ गई और कमाल की बात, जैसे ही वो बाहर आई ऑल द पैनिक वॉज ओवर। मैंने गाड़ी के फ्रंट टायर को ध्यान से ऑब्जर्व किया और गाड़ी को हल्का सा धक्का दिया और कुछ सेकंड्स में मेरे अकेले के एफर्ट से गाड़ी बाहर आ गई। वो लेडी अब इतना रिलीव्ड थी, उन्होंने मुझे थैंक यू कहा और शांति से अपनी कार ड्राइव कर चली गई। क्या बात है, अब तो मैंने इस बात को गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी वाइफ को खूब पकाया और पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी, सी आई एम जीनियस। वो अलग बात है कि दुनिया में एक आध जगह ऐसी है जहाँ मेरा बुद्धि प्रदर्शन अक्सर फेल हो जाता है। बाद में जब इस सिचुएशन को डीपली सोचा तो समझ में आया कि लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी समस्याएं उस फंसी हुई कार की तरह हैं। हमें अगर संभव हो तो उस कार से बाहर आना होगा, उस पैनिक से बाहर आना होगा और ध्यान सिर्फ उस समस्या पे लगाना होगा। कई बार तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है मगर हम पैनिक मोड में होने के कारण उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते। शायद कई बार ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है जो उस पैनिक का पार्ट ना हो और उस सिचुएशन को बस दूर से देख रहा हो।